प्रश्न है, निम्न श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। श्रेणी हमें मिली है 0.5 प्लस 0.55 प्लस 0.555 एंड सो ऑन। हम इस योगफल को s मान लेते हैं, तो ये हमें योगफल ज्ञात करना है n पदों तक। तरीका क्या रहेगा, पहले हम 5 को कॉमन ले लेते हैं, 5 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बच गया 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 एंड सो ऑन एन पदों तक। अब हम 9 का यहां ब्रैकेट में गुणा कर देंगे और 9 का भाग लगा देंगे, तो 5/9 तो बाहर आ गया, यहां आ गया 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 सो ऑन एन पदों तक। ऐसा हमें प्राप्त हुआ। 9 का गुणा और भाग लगाने से हमें क्या फायदा हुआ कि अब हम इसको 0.9 को 1 माइनस 0.1 लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01 और इसी प्रकार 1 माइनस 0.001 इस प्रकार से लिख देंगे, जिससे हमें दो श्रेणियां मिल जाएंगी। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हम 9 का गुणा करते हैं और 9 का भाग लगाते हैं, तो 5/9 तो बाहर आ गया, इसको मैंने लिख दिया 1 माइनस 0.1 प्लस ये हो गया 1 माइनस 0.01 प्लस ये हो गया 1 माइनस 0.001 प्लस सो ऑन एन पदों तक। दो श्रेणियों में अब ये प्रश्न बन गए हैं, 1 माइनस 0.1, अब पहला पद है 1, यहां पर भी है 1, यहां पर भी है 1, एन पदों तक जोड़ना है, एक श्रेणी तो ये बन रही है जिसका योग कितना हो गया n, तो 5/9 इस एक को लिया, इस एक को लिया, इस एक को लिया, n पदों तक जोड़ा तो n आ गया माइनस। अब 0.1 0.01 0.001 इसको देखिए, तो 0.1 कितना होता है 1/10, ये कितना हो गया प्लस है क्योंकि बाहर मैंने माइनस पहले कॉमन ले लिया, ये हो गया 1/100, 10 का स्क्वायर कर दे प्लस ये हो गया 1/1000, 10 का क्यूब कर दे 100, ये हो गया एन पदों तक। ऐसा हमें प्राप्त हुआ। ये एक जीपी है, जीपी का योगफल का सूत्र क्या है, Sn बराबर a 1 माइनस आर की घात n अपॉन 1 माइनस आर, ये हमारा सूत्र होता है, इस सूत्र का प्रयोग कर लिया। ए हमारा क्या है, प्रथम पद, आर है सार्व अनुपात, तो एन माइनस यहां क्या हो गया ए अर्थात 1/10 इंटू आर की घात 1 माइनस आर की घात एन, आर कितना हो गया, आर हो गया 1/10 का स्क्वायर बटे 1/10, ऐसा हो जाएगा, ये 10 ऊपर चला जाएगा तो 10/10 का स्क्वायर अर्थात 1/10 ये हमारा आर हो गया। तरीका क्या रहता है, बाद वाले पद में पहले वाले का भाग लगाएं, तो आर अर्थात 1/10 की घात एन अपॉन आर माइनस 1 माइनस आर, तो 1 माइनस 1 अपॉन 10, ये हमारा हमने सूत्र में मान रख दिए, तो हमें ये योगफल प्राप्त हुआ। सरल करें इसको, तो मान कितना आ गया 5/9 ब्रैकेट में n माइनस यहां 1/10 ब्रैकेट में है 1 माइनस 1/10 की घात n बटे 1 माइनस 1/10, ये हो गया 9/10 के बराबर, 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये हमें प्राप्त हुआ। 9 एलसीएम आ रहा है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 इस 9 से भी मल्टीप्लाई हो गया, तो 5/81 ये तो ब्रैकेट के बाहर आ गया, 9n माइनस 1 प्लस 1/10 की घात n, ये हमें प्राप्त होता है जो कि हमारा n पदों का योगफल है। तो Sn बराबर क्या हो गया, n पदों का योगफल 5/81 ब्रैकेट में है 9n माइनस 1 प्लस 1/10 की घात n।
प्रश्न है, निम्न श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। श्रेणी मिली है 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 प्लस एंड सो ऑन। हम इस योगफल को एस एन मान लेते हैं। अब हम यहां देखो 0.9 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 0.1, ऐसा लिख सकते हैं। प्लस यहां 0.99 इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01, ऐसा लिख सकते हैं। प्लस इसी प्रकार से इसको लिख दिया 1 माइनस 0.001 प्लस सो ऑन। एन पदों का हमें योगफल ज्ञात करना है। दो श्रेणियां बन गई, एक तो बन गई 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 एन पदों तक, 1 प्लस 1 प्लस 1 एन पदों तक। माइनस में एक श्रेणी बन गई 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 एन पदों तक, एक श्रेणी ये बन गई। माइनस मैंने बाहर ले लिया है तो यहां पद प्लस में आ जाएंगे। एन पदों का योगफल, एक को यदि हम एन बार जोड़ें तो एन आता है, ये हो गया एन माइनस। इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 1/10 प्लस ये हो गया 1/10 का स्क्वायर 0.01, 1/100 होता है, 10 का स्क्वायर कर दिया मैंने। इसी प्रकार ये हो गया 1/10 का क्यूब एन पदों तक, ये हमें प्राप्त हुआ। ये स्पष्ट है कि एक जीपी है, प्रथम पद तो है 1/10 और सार्व अनुपात कितना है 1/10। सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर ए 1 माइनस आर की घात एन अपॉन 1 माइनस आर, जहां ए तो होता है प्रथम पद, आर होता है सार्व अनुपात। सूत्र का प्रयोग करते हैं, 1/10 ए के स्थान पर लिख दिया, 1 माइनस आर अर्थात 1/10 की घात n, ऐसा लिख दिया, अपॉन 1 माइनस आर अर्थात 1 माइनस 1 अपॉन 10। सरल करते हैं तो n माइनस 1/10 1 माइनस 1 अपॉन 10 रेज टू दी पावर n, 1 माइनस 1 अपॉन 10 9 अपॉन 10। 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, मान कितना आ गया n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 9, हम बाहर ले लें, ब्रैकेट में क्या रह गया 1 माइनस 1 अपॉन 10 रेज टू दी पावर n। ये हमारा अभिष्ट n पदों का योगफल है।